स्टूडेंट वीज़ा ते जाने वाले स्टूडेंट्स का स्पैशल और उन्होंने माँ प्यो का इस प्रोग्राम में स्वागत है जी। दो हिस्सों के प्रोग्राम में बंडा, पहला हिस्सा न्यूजीलैंड में डेडिकेटेड है, फिर कुछ बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जिन्होंने मिडवे एजुकेशन के थ्रू फाइनल लाइया से। मैं एक बार फिर तुम दस दवा, एक प्रमोशन का कोई तरीका या जरिया नहीं, एक तुम इनकोरेज करने वास्ते असं बाइट्स लैके आने कि पंजाब के इस वक्त बहुत बड़ा डर फैलिया है कि न्यूजीलैंड का वीज़ा नहीं आ रहे। वीज़ा आ रहे हैं चंगे कंसलटेंट्स के, चंगिया प्रोफाइल्स के, सही जेनुइन फंड, हर तरह का जो कागज़ सही लगे वह वीज़ा आ रहा, विदाउट इंटरव्यू भी आ रहे हैं, सो वो दिखावे। दूसरा पक्ष कैनेडा दे विच बहुत सारे बच्चे ने पिछला शो देखा जगजीत जी, जिन्हों का सवाल भेजे काफ़ी सारे, वो जोड़े सवाल ने भी अच्छी डिस्कस कर इस प्रोग्राम कोशिश करा। जगजीत जी स्वागत, थैंक यू रणबीर जी। मिडवे वालों तुम शो किया न्यूजीलैंड का, काफ़ी सवाल तेरे को भी आए हैं, मेरे को भी आए हैं, उन्होंने कहा कि अगले इनटेक वास्ते हम सू कि गलों का ख्याल रखना पड़ेगा। सी मेन तो उही गल है कि फंड तुहाडे प्रॉपर होने चाहिए ने, फंड सब तो इंपोर्टेंट आ। सैकेंड गल है जिहड़ा कोर्स तुसी चूज कर रहे हो वो रेलेवेंट होना चाहिए तुहाडे बैकग्राउंड ते। कोई भी इहो जिहा नहीं प्रोफाइल मैं देखा कि हर बच्चा अजकल कोई ना कोई, अजकल जिवें पहले कैनेडा ते रेफरल आंदा सी, हुण हर बच्चे का कोई ना कोई न्यूजीलैंड विच हैगा, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई ना कोई न्यूजीलैंड भी बैठा। अजकल कैनेडा हुंदा सी सेम न्यूजीलैंड वर्गा हो गया, और हर बच्चे नूं इह कहा जांदा कि तू कुकरी ते आ जा जी। यह मैं एक बहुत ही गलत चीज़ देखी है, और कुकरी विच मैं तुहानू क्लीयरली दस देवांगी, इमीग्रेशन न्यूजीलैंड कह रही है कुकरी और लैवल 5-6 बिजनेस जिहड़ा कोर्स आ उहना वास्ते वो नेगेटिव लिस्ट है। तो स्टूडेंट मैं यही राय देवांगा, कोशिश करो कि एक कोर्सेस के अलावा भी और बहुत अच्छे कोर्स न्यूजीलैंड में तुसी रेलेवेंट कोर्स चूज करो जिहड़ा तुहाडा बैकग्राउंड नाल मैच करदा, ना कि तुसी बीए कीता, 12th विच कुछ होर कीता, तुसी कह रहे हो मैं कुकरी ही जाना क्योंकि मेरे दोस्त यार ने या रिलेटिव ने कहता। इंपोर्टेंट गल है तो तुहानू वीजा मिलना चाहिए, वीजा ही नहीं मिलेगा तुसी जाके उहदे कुकरी की करना, जा ही नहीं पाओगे। एक जगजीत जी बड़ा टेक्निकल जिहा सवाल है, कई बच्चे प्लस टू च मान लो फॉर एग्जाम्पल कि उन्हें बी कॉम रख लिया, उन्होंने बाद पता लग्या जी कि मेरा इंट्रस्ट भी आ, और ये भी पता लग्या कि डेयरी फार्मिंग की वैल्यू बड़ी है। जो तो बच्चा कोई स्विच ओवर करता है एक तो दूसरे फील्ड च जाता है, एसओपी नाल ये पॉसिबल है कि असीं वीजा ले सकदे? सी एक्सेप्शन च हर चीज पॉसिबल है, एक्सेप्शन ते हर चीज पॉसिबल है, बट एक स्टूडेंट वीजा की एक गाइडलाइनस होंदी है, गाइडलाइनस नूं फॉलो करना भी इंपॉर्टेंट आ। स्टूडेंट वीजा की जिहड़ी गाइडलाइनस, इंपॉर्टेंट गाइडलाइनस आ उह इह है कि एक तो फंड तुसीं प्रॉपर तरीके नाल मेनटेन करना, दूसरा जिहड़ा कोर्स तुहाडा होना चाहिए वह रिलेवेंट होना चाहिए। तुसीं जिवें कहा एक्सेप्शन ते कोई अगर बच्चा डेयरी फार्मिंग करना चाहता है, अगर वह प्रॉपर तरीके नाल उहनूं इंडीकेट करे या रिलेवेंसी नूं अपनी करे या इंटरस्ट नूं अपना एसओपी च मैनशन करे तो पॉसिबिलिटी है, मैं ना नहीं कहांगा बट पॉसिबिलिटी है। बट उस केस च कुकरी और बिजनेस ये दोनों नहीं होंगे, बाकी कोर्सेज हो सकते हैं। स्किल्ड एरिया ध्यान दे, बहुत बच्चे वापस किए गए, बच्चे नूं डर भी सी कि सानू शायद उत्थे डिपोर्ट कर देंगे। मैं नहीं कह रहा कि मिडवे दे सारे बच्चे अच्छे कोर्स लेके गए सके, चलो एक शुक्र है परमात्मा का कि चंगे कंसलटेंट, कला मिडवे नहीं, चंगे कंसलटेंट थ्रू दे गए हुए बच्चे कामयाब ने। वापस आने के रीजनस की ने, किहड़ियां गलतियां बच्चा कर सकता जो सारा कुछ वीजा होने के बावजूद भी बच्चा डिपोर्ट हो सकता है? सी डिपोर्ट होने के रीजन तो यही है कि तुम इलीगली कोई काम कर रहे हो। ओके, अगर तुम लीगली कोई भी काम न्यूजीलैंड से कर रहे हो तो कोई डिपोर्ट नहीं कर सकता। इलीगली का मतलब है अटेंडेंस भी हो सकता, मैं देखा ठीक है, उत्थे मैं देखा कि कोई कॉपी भी बड़े अजकल उत्थे एक लीगल तरीके नाल एक सिस्टम भी होंदा है, उन्हें भी मिसयूज किया जाता है। ओवर टाइम तुसी काम कर रहे हो, पार्ट टाइम तुहानू अलाउड है 20 आवर्स ए वीक, तुसी काम कर रहे हो 40 घंटे उत्थे, जो तुसी वर्क वीजा अप्लाई करोगे या फर्दर एक्सटेंशन जाओगे वो तुहानू सामने आ जाता है इमीग्रेशन ऑफिसर के सामने। दूसरा तुसी अगर फेक फंड ते इंडिया तो गए हो या कोई फेक डॉक्यूमेंट ते गए हो वो बाद चो अगर ट्रेस होएगा तो डिपोर्टेशन के बहुत अच्छे बहुत ज्यादा चांसेस है। तो कोई भी फेक चीज या इलीगल चीज अगर तुसी न्यूजीलैंड ते करदे हो तो चांसेस है डिपोर्टेशन दे। तो अगर सही स्टूडेंट वीजा दे रेगुलेशन नु तुसी फॉलो करदे हो कोई तुहानू डिपोर्ट नहीं कर सकता। तो वैसे तो जिवें तुसी दस्सिया कि रेफरेंस रेफरल केस निकलने शुरू हो गए हुण, हां जी मेरा फलाना दोस्त मित्र रिश्तेदार गया है वो कहंदा जी इत्थे आ जा, मैक्सिमम बच्चे रेफरल तो अजकल कई जिहड़े फ्रेश जांदे ने उहनां लई इक बहुत वड्डा इशू हुंदा जी किहड़े शहर च जावां, कंसलटेंट फिर भी चलो उहनूं कोर्स तां दस दिंदा है रेलेवेंसी बना के, शहर च बड़ा कन्फ्यूज हुंदा है, इत्थे कोई टिप्स है टेक्निकल? जी रणबीर जी, शहर जिवें हर बच्चे दा इक हुंदा है मूंह ते लग्गिया कि ऑकलैंड जाना जी, ऑकलैंड न्यूजीलैंड का मतलब ऑकलैंड है, मैं कहना चाहवांगे न्यूजीलैंड का मतलब ऑकलैंड नहीं है, न्यूजीलैंड का मतलब है क्राइस्टचर्च, न्यूजीलैंड का मतलब है रोटोरुआ, न्यूजीलैंड का मतलब है वेलिंगटन है, हैमिल्टन आ, ये बहुत अच्छी सिटीज़ है उत्थों की, तुसी उत्थे जाके एक्सप्लोर करो अपना फ्यूचर, उत्थे तुहानू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी मिलेगी। कोर्सेस जिहड़े तुहानू ऑकलैंड मिलने ने और सेम कोर्सेस तुहानू उस एरिया अगली सिटीज़ ते भी मिल सकता है, तो तुसी वो एक्सप्लोर करो ताकि तुहाडा फ्यूचर च जॉब अपॉर्चुनिटी भी अच्छी मिले, पार्ट टाइम जॉब की अवेलेबिलिटी अच्छी मिले, सेम लैवल ऑफ जिहड़ी एजुकेशन तुहानू ऑकलैंड मिलेगी सेम लैवल ऑफ एजुकेशन तुहानू वो बाहर दी सिटीज़ ते भी मिल जाएगी, तो क्यों ना तुसी वो सिटीज़ नू भी एक्सप्लोर करो। कुछ इस चीज़ नू भी प्रेफरेंस देनी चाहिए कि जदों असीं पीआर होंगे
फलाने फलाने शहरों के विच सानू पॉइंट्स मिलते हैं। डेफिनेटली जिवें प्राइम मिनिस्टर जॉन की ने पहले भी अनाउंसमेंट की सी, एक पब्लिक डोमेन च है वो न्यूज़ जिवें कहा सी कि तुसी अगर ऑकलैंड तो बाहर अगर किसी जॉब लेंदे हो तो तुहानू एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स मिलते हैं पीआर दे टाइम ते, तो भी एडवांटेज स्टूडेंट नू मिल सकता है। तो तुसी वैसे भी ऑकलैंड ते तुसी देखिया अगर तुसी रिसर्च करोगे ऑकलैंड ते थोड़ा जे कंजेशन हो गया है, इन्ने स्टूडेंट्स इन्ने साल तो जा रहे, तो बेटर मैं यही राय देवांगा स्टूडेंट्स नू कि तुसी ऑकलैंड तो बाहर ऑप्शन देखो। इनफैक्ट अच्छी गल यह है कि मैं लास्ट एक साल तो देख रहा बच्चे सानू ऑकलैंड तो बाहर ही मंगते हैं, ये अवेयरनेस ऑलरेडी है बच्चा को, ठीक है। बच्चे भी सानू मंगते हैं कि सानू सर क्राइस्टचर्च भेजो या वेलिंगटन का ऑप्शन दो, रोटरुआ का ऑप्शन दो, तोरंगा का ऑप्शन दो, हैमिल्टन का ऑप्शन दो, नेपियर का ऑप्शन दो, बड़ी सिटीज उत्थे अच्छी सिटीज हैगी ना, वेल डेवलप्ड सिटीज हैगी ना, उत्थे जाके अपना फ्यूचर बनाओ, पढ़ाई सेम ही मिलेगी तुहानू। ठीक जी जी, एक बच्चा का बड़ा भोलेपन दे विच एक सवाल हुंदा अक्सर, मैनूं तां बड़ा पुछदे ने जी किहड़ा कोर्स ठीक रहेगा, है ना, तुसीं दस्सिया कि रेलेवेंसी है जां बच्चे दा इंटरस्ट है जां बड़ियां चीज़ां देख के दिंदे हो, इस तों इलावा फिर भी कुछ कोर्स खास डिमांड च वी हुंदे ने न्यूज़ीलैंड? डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म स्किल लिस्ट हुंदी है, शॉर्ट टर्म लिस्ट हुंदी है, उस लिस्ट दे हिसाब नाल जिहड़े स्किल्ड कोर्सेज हैगे ने, हां जी, जिहड़ा स्किल्ड कोर्सेज हैगा बच्चा वह करेगा तो जॉब अपॉर्चुनिटी बैटर मिलती है। फॉर एग्जाम्पल असं भी करते हैं कि स्टूडेंट्स नूं कि तुसीं कुकरी तो बाहर निकलो या बिजनेस कोर्सेज तो बाहर निकलो, स्किल्ड कोर्सेज करो जिहड़े तुहाडे रेलेवेंट आ। फॉर एग्जाम्पल तुसीं क्या एग्रीकल्चर का हॉर्टीकल्चर का कोर्सेज हो गया, डेयरी फार्मिंग का कोर्सेज हो गया, वुड मैनुफैक्चरिंग का कोर्सेज हो गया, इंजीनियरिंग के कोर्सेज हो गए, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, वो अलावा तुसीं हैल्थ रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हो, बहुत अच्छे है, टीचिंग रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे है। तो कोर्सेज सारी अवेलेबिलिटी है न्यूजीलैंड से। मैं एक धारणा देखी है कि न्यूजीलैंड तो सिर्फ बिजनेस आई टी बच्चे जाते, कुकरी चलेगा, हॉस्पिटैलिटी चलेगा, यह नहीं है। न्यूजीलैंड में सब कुछ है, फोटोग्राफी है, मल्टीमीडिया है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, सारे ही कोर्सेज अवेलेबल है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक होर चीज देखी गई है, जे रोटोरुआ च एक कोर्स किसी मान लो वरैकी ने डेयरी शुरू किया, उन्होंने देख के किसी होर ने भी शुरू कर लिया। हाँ जी हाँ जी, हर शहर के जॉब अपॉर्चुनिटीज डिमांड नूं देख के कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए, सिटी और कोर्स की डेफिनेटली। इनफैक्ट जी एक्रीडेशन बॉडी है NZQA न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन अथॉरिटी, एक्रीडेशन ही उस कॉलेज नूं दिंदी है उस एरिया से जिदे उथे डिमांड होए। फॉर एग्जाम्पल वायरकी का, वायरकी नूं डेयरी फार्मिंग दे इस वास्ते अप्रूवल मिलदी कि आसपास जिहड़ा एरिया है वायरकी दे रोटरुआ दे एरिया डेयरी फार्मिंग वास्ते सुइटेबल है, तां ही उन्हें उत्थे मिलदी है। एग्रीकल्चर का कोर्सेज या वुड मैनुफैक्चरिंग का, हुण वुड मैनुफैक्चरिंग की अप्रूवल मिलती वायरकी नूं तां ही आ क्योंकि जो टिंबर मिल आ उन्हां दा इनबिल्ट ही टिंबर मिल आ, वायरकी दे कॉलेज दे विच ही टिंबर मिल हैगा इन्नो वड्डा जो कि कमर्शियल भी यूज हुंदा, तो तां ही अप्रूवल्स मिलदी है। सेम जिवें NMIT नूं पहलों एक्वाकल्चर का मिलदा सी, या वाइनरी वाइन साइंस का, या उह जिहे मिलदे ने अप्रूवल्स मिलते हैं क्योंकि वो एरिया जिहड़ा एरिया है निलसन एरिया है या मालबोरो एरिया है वो फेमस ही इहदे वास्ते है। तो जिहड़ी अप्रूवल्स मिलती है उत्थे कॉलेजेस नूं और डिमांड नूं लेके ही मिलती है, तो जिहड़े नवे कोर्सेज स्किल्ड कोर्सेज ऑफर होंदे ने उहदे च तुसीं अपना अपलाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। पिछे जे बड़ा क्राइस्टचर्च नूं प्रमोट किया गया 2013-14-15 तक, 16 च घट गया कि उत्थे जी भुचाल आए सी, उत्थे नवीं बिल्डिंग्स बन रही ने, इंजीनियरिंग दी बड़ी डिमांड है, सिविल दी बड़ी डिमांड है, बड़ियां सीगियां। अज की सिचुएशन है क्राइस्टचर्च? रणवीर जी अज भी मैनूं लगदा है कि क्राइस्टचर्च अपॉर्चुनिटीज काफ़ी अच्छी है, मैं नहीं कहाँगी डिमांड घट होगी है, बट लुकिंग एट द यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग उत्थे जिवें है या स्कोप जिवें ओवरऑल जिवें मैं देखा कि मतलब उत्थे बच्चे जिहड़ा जांदा है मैनूं लगता है कि वो सक्सेसफुल होकर ही आंदा, कि उन्हें जॉब पार्ट टाइम जॉब्स भी ईजीली अवेलेबल हो जाती है अच्छे तरीके नाल, अच्छी कमाई उत्थे हो जाती है, फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मैं देखिया क्राइस्टचर्च नहीं तो आसपास के जिहड़े कैंटरबरी एरिया है उन्हें भी उत्थे भी जॉब मिल जाती है, और कैंटरबरी एरिया नूं बेसिकली न्यूजीलैंड गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, तो काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स भी तुसीं देखोगे उत्थे अवेलेबल है। कैंटरबरी एरिया के जिहड़े भी कॉलेजेस हैगे ने, फॉर एग्जाम्पल तुसीं यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन देख लो, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी देख लो, CPIT देख लो, या होर भी जिहड़े कॉलेजेस आ दे आर ऑथराइज टू गिव यू स्कॉलरशिप्स, तो अगर तुसी उस एरिया ते जांदे हो तो स्कॉलरशिप वास्ते भी क्लेम कर सकते हो। ठीक जी जी, IPP नूं बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया कंसल्टेंट्स वालों, ये भी कहा गया जी मेरे को IPP का कॉलेज आ गया, मेरे को फाइल लो, बेचा भी गया ना, सेल भी किया गया, मुड़के दी गल नहीं हुई कोई। सी 2014 दे तुसी गल कर रहे हो या 2015? हां 14-15। हां जी, ओदे विच ना IPP एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव सी, पहले भी प्रोग्राम्स ते कहा गया बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव सी जिहड़ा गवर्नमेंट ने दित्ता है, इमीग्रेशन न्यूजीलैंड ने दित्ता कि जिहड़े अच्छे कॉलेजेस हैगे ने, अच्छे स्टूडेंट्स हैगे ने, उहनां दी हैसल फ्री वीजा होए, लेकिन असी साडे जिहड़े बंदे हैगे ने, साडे जिहड़े कलीग्स हैगे ने, फ्रेंड्स हैगे ने, उहनां नूं उहनूं इस तरीके नाल मैनिपुलेट करके उस तरह सेल करता कि बेचारा उहनां नूं ना एक ही कह के एक दिन च ही बंद करना पै गया। मेरे जी एक गल याद है, तुहानूं रोक रहा इत्थे, माफ़ी चाहूंगा, मेरी न्यूजीलैंड फेरी के दौरान 2014 च 2-3 बच्चे ऐसे मिले आए IPP च चले गए विदाउट आइल्स, पता नहीं किवें वीजा लगा, रो रहे सी लिटरली, कहिंदे सानूं 1.5-1.5 लाख दा कोर्स लग गया और असी कामयाब नहीं होणा, ओह हुण ही नहीं सकदे, ओह लेवल ही नहीं सी। मैं यही तो कह रहा हूं बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव सी इमीग्रेशन न्यूजीलैंड
स्टूडेंट ने दिता सी इंडियन स्टूडेंट वास्ते कि तुसी अच्छे कॉलेज ते जाओ और अच्छे स्टूडेंट ने वी हैसल फ्री वीजा लो, वीजा दी भी कोई टेंशन नहीं, 5 दिन दा वीजा आ रहा जी, लेकिन असी लोगों ने उन्हें मिसयूज करता इमीग्रेशन न्यूजीलैंड पॉइंट ते आके उन्होंने उन्हें बिल्कुल ही उस पॉलिसी नु ही स्क्रैप करता। बिल्कुल ठीक है गल थोड़ी। एफटीएस दा अज की स्टेटस है? सी एफटीएस आजकल ए एफटीएस कोई स्कीम ही नहीं है, आजकल यही कह रहा है इमीग्रेशन या हाई कमीशन ये कह रहा है कि हर बच्चे नु अपनी लिविंग एक्सपेंसिस और ट्यूशन फीस जोगा पैसा अपने को होना चाहिए था। और मैं देखा है कि 90% ऑफ द केसेस ते एफटीएस ऑप्शन दिता जा रहा है, जिदा मतलब यह है कि वीजा के बाद तुहानू एक साल की लिविंग एक्सपेंसिस जी ANZ बैंक से डिपोजिट करनी पैंती है, जो कि हर महीने तुहानू $1,250 के हिसाब नाल वापस मिल जाती है, प्लस एक साल का फीस जिहड़ा है वीजा के बाद तुहानू कॉलेज के अकाउंट से डिपोजिट करना ही पेगा। वैसे तो जो असं घूमन जाने न्यूजीलैंड कोई भी दोस्त मित्र जाऊगा तो फीडबैक 100% सही होंगी न्यूजीलैंड प्रति, क्राइम नहीं है, एजुकेशन सिस्टम बहुत वधिया, हरियाली बहुत है, कुदरत की गोद च है, मतलब बच्चा लिए PR हैगी है। पर फिर भी तुहाडा बहुत तजर्बा, तुसीं हजारां बच्चे भेज चुके हो, तुहाडे गेड़े भी सैकड़ा लग ले न्यूजीलैंड दे विच, बहुत वड्डा तजर्बा तुहाडा, सारे कॉलेजां नाल टाई अप है। कोई बच्चा जिहड़ा कामयाब नहीं हुंदा फॉर एग्जाम्पल, वो किहड़ियां गलतियां कर लैंदा न्यूजीलैंड दे विच? सी कामयाब मैं देखिया जे ब्रॉडर मैं दसांगा तो उहदे विच मैनू लगता है कि बच्चा जिहड़ा पार्ट टाइम जॉब ते जिहड़ा सब तो ज्यादा फोकस करता है सब तो वड्डी गलती करता है। नहीं करनी नहीं चाहिए पार्ट टाइम। मैं कह रहा हूं जब तुम स्टूडेंट वीजा ते जाते हो तो तुम्हारा मेन फोकस जिहड़ा स्टडी वो स्टडी होना चाहिए। तुम्हें एक चीज पता है कि न्यूजीलैंड 100% अटेंडेंस रखनी जरूरी होंगी है, तुसी कोई क्लास अगर मिस कर रहे हो तो कोई जेन्युइन रीजन होना चाहिए, या तो कॉलेज नु इनफॉर्म करना पैंदा या कोई मेडिकल रीजन हो तब कर दो। वैसे NZQA दे हिसाब नाल कॉलेजेस हैव टू हैव 100% अटेंडेंस। अच्छा। बच्चे 100% बच्चे की करते ने उत्थे जाके हुण फॉर एग्जाम्पल जिन्हां दे मैं गलत नहीं कहांगा बच्चों का प्रेशर भी होंदा है कि पार्ट टाइम जॉब करनी है नहीं करनी, बट वो कर सकते हैं 20 आवर्स जिहड़ा लीगली अलाउड आ, जिहड़ा तुहाडे पासपोर्ट ते भी वीजा ते भी लिखा होंदा कि यू आर एंटाइटल टू 20 आवर्स पार्ट टाइम जॉब देर, तुसीं उहनूं यूज करो ना कि खेतों से जाके या होर पार्ट टाइम चक्करां पै के कैश जॉब्स से तुम होर कर रहे हो, उस प्रॉब्लम यह आती कि अगर तुम उत्थे फस जाते हो किसी केस से या कोई तुम फड़ लैंदा तो डिपोर्ट उसी टाइम हो जाता है। दो मेन चीज मैं तुम्हें हुण ही दस रहा, एक तो है ओवर टाइम काम करना पार्ट टाइम के उपर, दूसरा है अटेंडेंस, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो बच्चे वापस आते हैं ये दोनों से फेल होंगे। जिहड़ा बच्चा जो कोर्स कर रहा है उसी फील्ड च जॉब करे बेनीफिट होंगे कुछ? डेफिनेटली उसी फील्ड से अगर जॉब मिल जाए तो अगर उन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क वीजा से अगर फुल टाइम जॉब लभण की भी ईजी हो जाता है तो ज्यादा फायदा है, बट पार्ट टाइम जॉब नॉर्मली कई बार नहीं मिलती तो पार्ट टाइम जॉब कोई भी तुसी कर सकते हो, बट जो तुसी पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जाते हो रेलिवेंट जॉब ऑफर इंपॉर्टेंट है जी। जिहदे नाल पिछले शो च भी गल हुई सी अज भी मैं दोबारा कर रहा, बड़े बच्चे डरते सी कि जी वीजाज नहीं आ रहे, ये लेके आए सी पिछले हफ्ते भी काफ़ी बच्चों नूं, पर कुछ बच्चे आना भी नहीं चाहते TV ते, शर्म भी हुंदी है, डर भी लगता है, जां रिश्तेदार उन्होंने पता लग जाए जी हले मैं गया नहीं जी मैंने कोई जाते जाते प्रॉब्लम ना आ जाए, मेरा वीजा रिजेक्ट ना हो जाए, बाद बेइज्जती होगी, बड़िया समस्यावां आउंदियां, पर फिर भी जिन्ने बच्चे होंगे उन्होंने फड़ लिया है। सो अज भी असं 4-5 बच्चे ने जो तुहाडे रूबरू कर लगे, उस तो बाद कुछ गल्लां बातां जिहड़ियां ने कैनेडा संबंधी करांगे। मेरा नाम चरणजीत सिंह आ ते मैं राजस्थान तो बिलोंग करदा, मेरा न्यूजीलैंड सैप्टेंबर इनटेक का वीज़ा आ गया आ, ये तो पहला मेरे दो रिफ्यूजल ने, एक कनेडा का दूजा न्यूजीलैंड का ही, बट वो बाद मैं मिडवे कंसल्टेंट्स को मिलया तो उन्होंने मैंने कहा भी मेरा वीज़ा आ जाना है, तो मैं उन्होंने फाइल लवाई, बहुत ही वधिया एजेंट ने तो मेरी बड़ी हैल्प की उन्होंने, तो मेरे हर एक डाउट में भी उन्होंने क्लीयर किया, ता करके अज मेरा वीज़ा आ सकिया। तनवीर मैम मेरी फाइल देख रहे थे जो कि दिल्ली ऑफिस से कम करते हैं, तो उन्होंने मेरे हर एक छोटे छोटे डाउट में भी क्लीयर किया, तो जगजीत सर भी बहुत वधिया नाइस ने, तो हर एक उन्होंने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो आप परसनली हर एक स्टूडेंट नाल गल करते हैं, शायद वो करके ही अज मेरा वीज़ा आया है। तो मैं थानू भी आही दसना चाहूँगा भी जे तुसी भी अपना वीज़ा लगाना है न्यूजीलैंड का तो तुसी मिडवे एजेंट्स को ही जाए। सत श्री अकाल। सत श्रीकाल जी, मेरा नाम गुरजीत कौर है, मैं नाभा शहर की रहने वाली हाँ, आयल्स विचों मेरे 6.5 बैंड से, तो मैं पहला कैनेडा लिए अपलाई करवाया किसी होर कंसल्टेंट्स के थ्रू जितों मेरी रिफ्यूजल आ गई सी, उस तो बाद मैं चढ़ती कला टाइम TV ते मेडवे एजुकेशन कंसल्टेंट्स का शो देखा, इन्हों का शो देख के मैं इन्हों का पटियाला ऑफिस विजिट किया, इन्हों के थ्रू न्यूजीलैंड लिए अपनी फाइल प्रोसैस करवाई, 11 अगस्त को मेरा वीजा आ गया से, मैं मेडवे एजुकेशन कंसल्टेंट्स का बहुत थैंक्स करती हूँ, ये इंटरव्यू की बहुत वधिया प्रैपरेशन करवाते हैं, तो ENZ रिकगनाइज्ड एजेंसी है, मैं सारे को ही रेकमेंड करती हूँ एक बार इन्हों का ऑफिस जरूर विजिट करो। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशुल बख्शी एंड आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली। आफ्टर कंप्लीटिंग माय बैचलर्स इन इंजीनियरिंग, आई थॉट ऑफ गोइंग अब्रॉड फॉर माय हायर एजुकेशन। आई वेंट ऑनलाइन एंड सर्च फॉर अ गुड एजुकेशनल कंसल्टेंट। दैट इज व्हेन आई केम अक्रॉस मिडवे एजुकेशनल कंसल्टेंट्स। दीज गाइज आर द बेस्ट।
They know everything about their business. My mentor there was Sarpreet Kaur. She's such a nice and helpful lady. She helped me with all my documentation from day one till the last day. Now finally, I'm going to New Zealand. I'll be studying graduate diploma in applied management at Otago Polytechnic. Thank you, Medway. Cheers. So, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ? ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੰਡਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਸਟ ਹੋਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾਸ ਵੀ ਫਾਸਟ ਆਣਗੇ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਕਟੋਬਰ ਨਵੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਜਾਂ ਸੈਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਫੰਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੀਗਲ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਫਾਦਰ ਮਦਰ, ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ, ਲਾਈਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਥਰੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆਪਣੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸ ਸਕੋ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੱਚ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਊਂਸਲਰ ਦੇ ਟੱਚ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ 99% ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਅੱਛੇ ਹੈ। 1% ਬੱਚਾ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਫੇਲ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਫੇਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੀਅਪੀਅਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸੈਟ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਪੀਅਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇੰਜਣ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਜਾਏ, ਫਸਟ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਕਰੇਗਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋਬ ਲੱਭੇ, ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੇਟ 'ਚ ਵੈਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹੈ, ਘਰੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੌਖੇ ਕਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ, ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਿਆਜ 'ਤੇ। ਦੇਖੋ ਰਣਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਦੋਸਤ ਧਾਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਡਿਵੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ, ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਜੋਬ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਨ ਚੁਕਾ ਲਈਏ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਦ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਆਹ 15 ਸਪਟੈਂਬਰ ਔਰ 16 ਔਰ 17 ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਕਰਕੇ ਵੈਨਿਊ ਹਲੇ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਟੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਔਰ 17 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਰਿਜੈਕਟਡ ਕੇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ, ਕੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਬੰਧੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਕੁਐਰੀ ਸੀ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੈਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਮਤਲਬ ਸੈਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਇਲ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਸੈਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ 'ਚ, ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇਨਟੇਕ ਆ। ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
नहीं रहेगा क्योंकि एक गैप ईयर का भी प्रॉब्लम होती है कैनेडा च और सितंबर इनटेक हूँ निकल गया हूँ तुम अगर अगले सितंबर तक वेट करोगे तो मैंने लगता है वीजा से भी प्रॉब्लम आ सकती है तो कोशिश करो कि जनवरी इनटेक च कोई अच्छा कॉलेज मैं नहीं कह रहा कोई अलग इधर उधर कॉम्प्रोमाइज करो अच्छा कॉलेज उसी लेवल का अच्छा कॉलेज अगर सेम कोर्स ऑफर करता है तो चूज करो तुम न्यूजीलैंड बहुत औखा वीजा लेना तुसी उच्च उच्च महारत है तुहाड़ी तजर्बेकार हो तुसी क्योंकि इत्थे दो टेक्निकल बड़ी चीज़ां ने एक तो फंडा नूं सही ढंग नाल शो करना दूसरा इंटरव्यू दे विच बच्चे नूं पास करना तैयारियां करानी बहुत कुछ करना कनाडा बड़ा सौखा तुहाड़े लई कनाडा विच देखो कनाडा विच तो फंड दा कोई रौला ही नहीं है तुसी एक साल दी लिविंग एक्सपेंसिस अप फ्रंट ट्रांसफर कर दिंदे हो जिहड़ा जीआईसी आ ठीक है ए फ्रंट तुसी फर्स्ट सेमेस्टर दी फीस ट्रांसफर कर दिंदे हो एसपीपी कॉलेज तो फी रिसिप्ट आ जांदा उहदे बाद इंटरव्यू दा भी कोई इहो जिहा कोई प्रॉब्लम नहीं है कनाडा विच एट दिस मोमेंट यू नो तो फिर उसी चक्कर मैं यही जिवें रणवीर जी तुसी कहा कि न्यूजीलैंड बहुत ही ज्यादा टफ है कंपेयर टू कनाडा बट कनाडा दी जिहड़ी स्पेसिफिकेशन आ उह अलग आ कनाडा दी जिहड़े रूल्स आ और असेसमेंट क्राइटेरिया है उह न्यूजीलैंड तो डिफरेंट आ थोड़ा जिहा परसेंटेज नूं बड़ी तवज्जो है रेलेवेंसी नूं बड़ी तवज्जो है न्यूजीलैंड जिहड़ा कहिंदा है न्यूजीलैंड दा मेन फोकस आ फंड ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਆ ਉਹ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਖਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਖਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 60% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਟੌਪ 4 ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ 60% ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ 6 ਬੈਂਡ ਹੈ ओवरऑल 5.5 इन ईच मॉड्यूल सेम ग्रेजुएशन बच्चा ग्रेजुएट बच्चा 50% अगर ओवरऑल है 6.5 आयल्स है 6 इन ईच वो जा सकता है कई कॉलेजेस में देखे जिवें लैम्पटन और भी बड़े कॉलेजेस है ने जिहड़े 6 बैंड्स ते भी ऑफर करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस भी फॉर एग्जाम्पल किसी ने बैचलर डिग्री की है बट वो पॉजिटिव प्रोफाइल से नहीं जाता तुहानू ऑफर तो दे देगा बट वो पॉजिटिव प्रोफाइल से नहीं जाएगा उहदे विच 50% ही वीजा सक्सेस होएगा बिल्कुल ठीक है गल तुहाडी जनवरी इनटेक लई हो गई एप्लीकेशन शुरू डेफिनेटली हुण तो मैनूं लगता है कि कई कॉलेजेस दी सीट्स ही नहीं हैगियां अगर तुसीं जनवरी करना है तो कुछ भी टाइम नहीं रह गया तुसी आज तो ही शुरू करो आज तो ही मेरे ख्याल से अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करो जो भी है कंडीशनल ऑफर लेटर आइल्स नहीं है करो या आइल्स है तो अपनी अनकंडीशनल मंगा के हुण तो ही कंप्लीट करो सो बड़ी खुशी हुई है न्यूजीलैंड दे नाल नाल मिडवे वालों हुण पूर्ण तौर पर पहला भी सी पर हुण पूर्ण तौर पर कनेडा की सर्विसिज जिहड़ी हैगी उह दित्ती जा रही है वधेरे जानकारी लई नंबरां दे उपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 15 तरीक नूं जलंधर 16 नूं अमृतसर साहिब ते 17 तरीक नूं सैमीनारां दे विच न्यूजीलैंड और कनेडा संबंधी पहुँच के जानकारी तुसीं प्राप्त कर सकते हो जगजीत जी शुक्रिया थैंक यू दर्शकों का भी शुक्रिया करना चाहूँगा जो तुम सू फीडबैक भेजते हो इसी बदौलत साडा प्रोग्राम संचालन होंगे अज इतें खत्म करेंगे धन्यवाद।